मैं फिल्म अभिनेत्री प्रतिभा पांडे आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और मैं आप सभी लोगों के आभारी हूँ, ख़ास तौर से हमारे रामचंद्र जी प्यारो जो कि इन्होंने काफ़ी हमारे लिए किया है, मैं इनको धन्यवाद करती हूँ। और मैं अभी इस सेट पे हूँ, फिल्म की शूटिंग चल रही है फिरौती, जिसमें मैं हीरोइन हूँ और हमारे हैं सर अक्षय यादव जी हीरो हैं, हमारी मधु जी हमारी प्रोड्यूसर हैं। मैं सबके आभारी हूँ और मैं थैंक यू बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग भी हैं इसमें, जिसमें से मेरा सॉन्ग हो चुका है और भी बाकी हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मिथिलेश अविनाश जी, जो कि काफ़ी मैं उनकी फिल्में कर चुकी हूँ और इसी सेट पे एक और फिल्म की मुहूर्त होने जा रही है, जो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि इन्होंने हमें दूसरी फिल्म के लिए भी इसी सेट पे हमको चुना गया है और फिल्म का नाम है विद्रोही। तो शायद यहीं पे शूटिंग चलेगा, जिसके प्रोड्यूसर हमारे मधु जी हैं और तिवारी जी हैं और हमारे ये शुक्ला जी जो हैं प्रमोद शुक्ला जी ये हीरो हैं, हमारे सर जी अक्षय यादव जी हमारे हीरो हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मिथिलेश अविनाश जी हमारे इसके डायरेक्टर हैं। तो बस हम चाहते हैं कि बस हमारी ये यूनिट है, हमारी फैमिली है, आप सबको भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं करती हूँ कि हमारी फिल्म सुपर डुपर हो और खूब अच्छे से हम लोगों की फिल्म कंप्लीट हो और रिलीज़ हो। और बस धन्यवाद कर रही हूँ। जिस तरह से आपके निर्देशन में बहुत जोर शोर से फिल्म विरासत फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसी फिल्म के सेट पे एक और फिल्म भी आपके निर्देशन में बनने जा रही है विद्रोही, जिसका धर्म पहले से नारियल तोड़ा गया, कितना शुभ काम हुआ है, क्या कहना चाहिए? मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर्स का इतना प्यार मुझे मिल रहा है और बैक टू बैक फिल्में मिल रही है, और इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि भोजपुरी सिनेमा के महानायक श्री कुणाल जी के हाथों नारियल तोड़ा गया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मूवी जैसे कि सुनने में मई में शुरुआत होगी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यह हमारी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं चंद्रभूषण तिवारी जी और मधु। हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं चंद्रभूषण तिवारी जी और मधु अवस्थी जी। मधु अवस्थी जी की दो फिल्म मैं कर चुका हूं और अब ये तीसरी फिल्म होगी। बड़ा बहुत अच्छे लोग हैं, सिनेमा को समझते हैं, या यूं कहिए कि सिनेमा कला के क्षेत्र में इन लोगों का समर्पण है, कला के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है और मेरी शुभकामना साथ है इन लोगों के साथ, आगे भी काम करते रहेंगे। स्क्रिप्ट अच्छी स्क्रिप्ट है, मैंने ही सुनाया है स्क्रिप्ट इनको, बढ़िया स्क्रिप्ट है। तो एक बार फिर आपके निर्देशन में अक्षय यादव जी काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? प्रमोद शुक्ला जी के साथ तो पहली बार काम करूँगा एज ए डायरेक्टर, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस पता नहीं क्या होगा, आने वाला कल बताएगा। लेकिन जहाँ तक अक्षय का है सवाल, बड़े अच्छे कलाकार हैं, थिएटर से रहे हैं और बड़े गंभीर विचार के हैं, बहुत कम बोलना, हमेशा शर्माना। हाँ, जहाँ एक्शन शुरू होता है कैमरे के सामने तो फिर पिकअप में आ जाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। 4-5 फिल्में उनके साथ ऑलरेडी मैं किया हुआ हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा ही होगा, अच्छी फिल्म बनेगी। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि अविनाश सर के साथ में जो हम कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ, मुझे बहुत बेहद खुशी है कि ऐसे जो आदमी, ऐसे जो सर हैं हमारे, कि उनके साथ मैं हमेशा दिल से जुड़ा रहूं और ताकि एक बाद एक फिल्म निकालते रहें। और फिल्म जो शूटिंग है विंध्यवासिनी माई की माई के दर पे है, वहीं सोच रहा हूं कि मैं यहां भी शूट करूंगा, थोड़ा जौनपुर में करूंगा जी। सबसे पहली बात तो मैं अपने सारे टेक्नीसियन, सारे आर्टिस्ट और हमारे जो
भाई हैं तिवारी जी, और अपने डायरेक्टर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर ही सबको हायर करता है, वो डायरेक्टर के ऊपर कोई करम करता है रहमो करम, जब अगर डायरेक्टर ही ऐसा है जो प्रोड्यूसर की हर चीज़ को, उसकी तकलीफ़ों को, समस्याओं को ले के साथ में चलता है और उसमें सामंजस्य बैठाने की जब कोशिश करता है, तो ऐसे डायरेक्टर के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एज ए डायरेक्टर, मेरे साथ जो है मिथिलेश सर तीसरी फिल्म मूवी कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहें। और बहुत ही सुंदर स्क्रिप्ट है विद्रोही। एक लाइन में मैं बताना चाहूँ कि यदि कोई अपने, चाहे धर्म से हो, चाहे संस्कार से हो, चाहे देश से हो, अगर जब कोई विद्रोह करता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, वो कौन से असामाजिक तत्व होते हैं जो उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं, कुछ ऐसे ही उस पर हमारी ये अगली फिल्म का हमारी स्टोरी है। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी जितनी मूवी हैं, दूल्हा बिकता है, फिरौती, आगे आने वाली हमारी विद्रोही, चिरंजीवी भारत, तो इस फिल्मों को देखें, अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, जिससे कि हम लोग सब लोग मिलकर एक टीम के साथ जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, एक के बाद एक फिल्म करते रहें। बोलिए, हमको बहुत खुश कर। हेलो, ये विपिन जी हैं जो कि अपनी फिल्म के DOP हैं, तो आप। नमस्कार सबको, मुझे बहुत खुशी हुई आज प्रमोद तिवारी जी के साथ में मैं एज ए सर प्रोड्यूसर एक्टर प्रमोद तिवारी प्रोड्यूसर, हाँ, तो काम कर रहा हूँ। हाँ, चंद्रभूषण तिवारी प्रमोशन, पिक्चर का नाम क्या है? फिल्म का नाम विद्रोही। विद्रोही मूवी के लिए आज मुहूर्त हुआ है, तो मैं शुभकामनाएँ दूंगा प्रोड्यूसर को, मेरे गुरु समान डायरेक्टर साहब को, मिथिलेश अभिनाथ जी को, उनके साथ मेरी तीसरी मूवी है ये, और शायद अभी जो हुआ है मुहूर्त, तो चौथी हो जाएगी। इस पिक्चर को दिल से शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और लगातार ये क्रम जारी रहेगा, क्योंकि ये जोड़ी जोड़ी नहीं है, ये परिवार है, और जब परिवार एक रहता है तो उसे ही पांच पांडव कहा जाता है। अच्छा जी, बोलिए। जय माँ विंध्यवासिनी। इस धरती पे फिर एक फिल्म शुरू होने जा रही है, आज मुहूर्त हुआ है, फिल्म का नाम है विद्रोही। इस फिल्म के निर्माता हैं चंद्रभूषण तिवारी जी, मधु अवस्थी जी, डायरेक्टर हैं मिथिलेश अविनाश जी, DOP हैं विपिन प्रसाद जी, और फिल्म में एक्टर हैं मैं हूं, प्रमोद शुक्ला जी हैं, प्रतिभा पांडे जी हैं, और भारती झा जी हैं, बाकी और भारती झा ना भारती झा हैं, और भी कलाकारों का चयन होगा। अभी आज तो मुहूर्त हुआ है और ये बहुत जल्दी फ्लोर पे आएगी, लगभग नेक्स्ट मंथ से शूट भी इसका स्टार्ट होगा, मई महीने से इसका शूट स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी टीम की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ पूरी टीम को, और फिर से हम लोग अभी एक फिल्म करने आए हैं फिरौती, पहले इसको कंप्लीट करें, उसके जस्ट बाद फिर इस फिल्म में हम लोग लग जाते हैं, और दर्शकों का हमें वही चाहिए, स्नेह प्रेम चाहिए जो है, और हमारी बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं, 4-5 फिल्में लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने की है, अब बन भी रही है, पोस्ट प्रोडक्शन भी चल रहा है, और जल्दी से रिलीज भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। मई से हमारी दूल्हा बिकता है रिलीजिंग पे है, फिर चिरंजीवी भारत होगी, क्रम बाई क्रम चलता रहेगा इस तरह से जो है। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।